नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में जानते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। उनका जन्म 18 अगस्त 1872 को अंग्रेजी शासन वाले बंबई प्रेसिडेंसी के कुरुंदवाड बेलगाम में हुआ। पलुस्कर को घर में ही संगीत का माहौल मिला था, क्योंकि उनके पिता दिगंबर गोपाल पलुस्कर धार्मिक भजन और कीर्तन गाते थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर को बचपन में एक भीषण त्रासदी से गुजरना पड़ा। समीपवर्ती एक कस्बे में दत्तात्रेय जयंती के दौरान उनकी आंख के समीप पटाखा फटने से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाने के बाद उपचार के लिए वह समीप के मेरज राज्य चले गए। ग्वालियर घराने में शिक्षित पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर से मेरज में संगीत की शिक्षा आरंभ की। 12 वर्ष तक संगीत की विधिवत तालीम हासिल करने के बाद पलुस्कर के अपने गुरु से संबंध खराब हुए। 12 वर्ष कठोर तप साधना से संगीत शिक्षाक्रम पूर्ण करके सन 1896 में समाज की कृत्य और अवहेलना एवं संगीत गुरुओं की संकीर्णता से भारतीय संगीत के उद्धार के लिए दृढ़ संकल्प सहित यात्रा आरंभ की। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा और ग्वालियर की यात्रा की। गिरनार में दत्त शिखर पर एक अलौकिक पुरुष के संकेतानुसार लाहौर को सर्वप्रथम कार्यक्षेत्र चुना। धनार्जन के लिए उन्होंने संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम भी किए। पलुस्कर संभवतः पहले ऐसे शास्त्रीय गायक है जिन्होंने संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए। बाद में विष्णु दिगंबर पलुस्कर मथुरा आए और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बंदिशें समझने के लिए ब्रजभाषा सीखी। बंदिशें अधिकतर ब्रजभाषा में ही लिखी गई है। इसके अलावा उन्होंने मथुरा में ध्रुपद शैली का गायन भी सीखा। विष्णु दिगंबर पलुस्कर मथुरा के बाद पंजाब घूमते हुए लाहौर पहुंचे और 1901 में उन्होंने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। इस स्कूल के जरिए उन्होंने कई संगीत विभूतियों को तैयार किया। हालांकि स्कूल चलाने के लिए उन्हें बाजार से कर्ज लेना पड़ा। बाद में उन्होंने मुंबई में अपना स्कूल स्थापित किया। कुछ वर्ष बाद आर्थिक कारणों से यह स्कूल नहीं चल पाया और इसके कारण विष्णु दिगंबर पलुस्कर की संपत्ति भी जब्त हो गई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे जिन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक, समर्थ संगीत गुरु, अप्रतिम कंठस्वर एवं गायन कौशल के धनी भक्त, हृदय गायक थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं में विभिन्न मंचों पर राम धुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। पलुस्कर ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने समय की तमाम धुनों की स्वर लिपियों को संग्रहित कर आधुनिक पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बाल बोध, वल्पालाप, गायन, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश तथा भजनामृत लहरी नामक पुस्तकों की रचना की। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और उनके पुत्र डीवी पलुस्कर जैसे दिग्गज गायक शामिल थे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, यहीं पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।